इस समय अमेरिका उन हथियारों की बिक्री की समीक्षा कर रहा है जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी दी थी। इस फैसले को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिंस ने जरूरी बताया। अमेरिका में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिन बाद सऊदी अरब और यूएई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जहां ट्रंप प्रशासन में ये दोनों देश बेहद खास थे, वहीं नई सरकार ने आते ही इन्हें देने वाले हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी। इस समय अमेरिका उन हथियारों की बिक्री की समीक्षा कर रहा है जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी दी थी। इस फैसले को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिंस ने जरूरी बताया है। इसे लेकर बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकिंस ने कहा कि समीक्षा करने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इससे हमारे रणनीतिक उद्देश्य और विदेश नीति आगे बढ़ रही है या नहीं। ये वही है जो इस समय किया जा रहा है। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहा गया था कि बाइडेन प्रशासन ने दो देशों को होने वाली अरबों डॉलर के हथियारों की बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन हथियारों पर रोक लगाई गई है उनमें सऊदी अरब को दी जाने वाली उच्च क्षमता वाली मिसाइल और यूएई को दिए जाने वाले F-35 लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये कदम बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के करीब एक हफ्ते के बाद उठाया है। इससे पहले उन्होंने सऊदी के साथ अमेरिका के रिश्तों का फिर से आकलन करने की बात कही थी। कार्यभार संभालने के बाद से ही बाइडेन ने अब तक दर्जनों कार्यकारी अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से कई के जरिए ट्रंप के फैसलों को पलटा गया है, तो कई में इन फैसलों की समीक्षा करने की बात कही गई है। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका के सऊदी अरब और यूएई से रिश्ते बेहद करीबी रहे हैं। इस दौरान इसराइल का भी पूरा समर्थन किया जाता रहा और ईरान पर अत्यधिक दबाव की नीति बनाई गई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।